एक्सप्रेशन शुड बी नेचुरल। वाह वाह, हमें शो करना है, टेंशन मत लो, तुम देखो। अच्छा लोल तले, लोल तले, लोल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं फर्रुख हैदर हूँ और हमारे साथ हमारे भाई और सुपरस्टार हमारे दफ्तर के चिराग गोठी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैंने सोचा कि आज हैदर भाई शुरू करेंगे और यही सब कुछ करेंगे। आज थोड़ा मैं रिलैक्स मोड में था। इनका क्या है, इनकी थोड़ी बैटरी लो हो जाती है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है ना। इनको डोज नहीं मिले, आप डोज समझ रहे ना, अगर इनको डोज नहीं मिले तो इनकी बैटरी थोड़ी लो हो जाती है यार। ये तो हर इंसान के साथ है। अगर इन डोज मतलब मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन किसी को नहीं मिलेगा तो नहीं, फिर कैसे? कुछ कुछ डोज लोग समझते हैं। हाँ हाँ, वही मतलब मोटिवेशन भी, वो भी भाई मोटिवेशन ही होता है ना। अच्छा, उससे भी मोटिवेशन, हर चीज में मोटिवेशन है, जो चीज आपको खुशी दे वो मोटिवेशन है। अच्छा, कैसा फीलिंग, कैसा रहता है? बढ़िया, शानदार। मतलब अंदर से ऐसी क्रिएटिविटी आती है कि पूरी मूवी मूवी बना दो। तुम लेके आए हो ना, मतलब डोज? नहीं नहीं यार, शरीर भी तो है, नहीं दफ्तर में अलाउ भी नहीं करते। टॉपिक क्या है आज? आज टॉपिक है जो हम लोग बहुत दिन से दर्शकों से प्रॉमिस कर रहे थे कि लिव इन रिलेशन और जो उसके अंदर पैदा होने वाली पेचीदगियां हैं। जैसे अब कोई लड़की आपके साथ लिव इन में रह रही है, मतलब समझ रहे हैं, आपके साथ लिव इन में रह रही है और वो हैप्पीली रह रही है, ठीक है, और अचानक एकदम आपके साथ रह रही है, हैप्पीली रह रही है, और अचानक जो है वो दो तीन साल बाद वो आपसे हटती है, अलग होती है और आप पे एलिगेशन लगा देती है। ये जो दोस्तों ट्रेंड है, मतलब जी दो साल पहले से रेप कर रहा है, अरे भैया पहले तो साथ रह रहे थे, पहले तो सब कस्में वादे एक साथ निभाए कि भाई हमें दूर तक चलना है, अचानक डिस्प्यूट हो गया और मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये रियलिटी ऑफ रेप केसेस आज हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि इसमें कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों हैदर भाई? टॉपिक सीरियस है लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, लाइटर नोट बताता हूँ कि होता क्या है। जनरली मेरे भी कई दोस्त ऐसे उसमें फंस गए। अच्छा, होता क्या है कि पहले तो सब हैप्पीली रहता है मामला, अरे हम साथ में रहेंगे, मज़ा आएगा, मस्ती होगी, ये होगी, दोस्त आएंगे, रात भर पार्टीज होंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जब मामला बिगड़ता है, जब दो तीन साल हो जाते हैं, क्योंकि तब आपको बहुत अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हर बंदे की पता लग जाती है ना, क्योंकि आप हमेशा फेक नहीं रह सकते, फेक नहीं रह सकते। आपको एक तरह से कहा जाए और बंदा अपनी औकात दिखाता ही है थोड़ी बहुत। नॉर्मली भी जैसे शादियों में होता है, आपकी शादी हुई और दो साल बाद आप थोड़ा सा कैजुअल मोड में डोल हो जाता है, वैसे ही इसमें भी होता है। अभी क्या होता है कि अब आप जो है वो दो साल साथ में रह लिए और आपके बारे में सब कुछ उसको पता चल गया, उसको उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल गया। अब क्या है, थोड़ा सा मामला कैजुअल होने लगता है, फिर वो कैजुअल मामला जो है लड़ाई में बदल जाता है, और फिर जब आप सेपरेट होते हैं तब होती है असली कहानी। अब अगर आपने हैप्पी मोड पे जो है वो सेपरेशन नहीं करी, एंडिंग नहीं करी, हैप्पी एंडिंग तो आपका दे एंड के लिए हैप्पी एंड नहीं। हैप्पी एंड तो आप अपने एंड से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरा एंड पर भी हो। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हें कराना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा भाई साहब। तो करना ही क्यों भाई, करना भाई, हर आदमी की खुजली होती है ना। आपने कहा कि डोज लेके आ रहा हूँ मैं, तो सबको मोटिवेशन चाहिए ना भाई। और जनरली होता क्या है कि जब बच्चे बाहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तब वो अक्सर इन चीज़ों में जाते हैं कि लिव इन रिलेशन में रहना है, ठीक है, और तब वो जोश जोश में शायद इतने समझ उनकी अच्छी नहीं होती है, और या उस टाइम वो मैच्योर नहीं होते हैं और वो सीधे आते हैं और बड़े शहरों में, छोटे शहरों से, और फिर वो लिव इन जैसी चीज़ों में फंस जाते हैं, और जब उनकी आंखें खुलती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो जेल के अंदर, जेल के अंदर होते जब आंखें खुलती है तो जेल के अंदर होते हैं। ये एक एक खूबसूरत रिलेशनशिप का एक ये डार्कर साइड इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से दोस्तों हमने कई केसेस कवर किए हैं, खासकर रेप केसेस के बारे में मैं आपको बताऊं, 90% केसेस जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है और एक टाइम के बाद वो रेप में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अगर लड़की बयान दे दे, सिर्फ इतना ही कह दे कि उसके साथ इस शख्स ने रेप किया है, तो आप यकीन मानिए आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, आप जेल जा सकते हैं। पहले आप गिरफ्तार होंगे, उसके बाद सुनवाई होती रहेगी। पंजाब वाला केस आपको याद होगा, पंजाब में एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर लगा दिया एलिगेशन, और उस पर केस चला, काफी टाइम तक केस चला, और जब वो केस का फैसला आया तो मालूम चला कि लड़की ने गलत एलिगेशन लगाया। हाँ, वो तो है, ठीक है, वो म्यूचुअली। तो इसमें क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो, उसको सजा हो? नहीं, होना क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और दूसरा अगर कोई फेक है, मतलब कोई फेक एलिगेशन लगा रहा है, तो देखो उसको सजा होनी चाहिए। नहीं, अब ये जबरदस्ती किया या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये कैसे प्रूव होगा? देखिए होता क्या है, जबरदस्ती जैसे रेप केसेस में होता है
कि अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप जो है वो उस तरह के एविडेंस पेश करेंगे। हाँ, सही बात है कि आपने उसको मना किया, उसके आपके पास मैसेज हैं या फिर कोई इमेजेस हैं या फिर कोई शारीरिक आपने टॉर्चर किया है, शारीरिक टॉर्चर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सीरियस हो गया मामला। हाँ हाँ, लेकिन कुछ भी कहो मजा तो आता है, ठीक है, मजा आता है लड़कों को भी लड़कियों को भी, वो साथ में रहने का। मैं बताया बाबू भाई लड़की का चक्कर, बस उसी में बंदा फंस जाता है। जहाँ आदमी लड़की के चक्कर में फंसा हो गया, मतलब ऐसा सेम वैसे वर्षा। तो ऐसे केसेस में दोस्तों हो सकता है हमारे कई दर्शक भी हो, जो एक आध दर्शक में सबकी बात नहीं कर रहा, शायद वो भी शिकार बने हो। वो कहते ना शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। लेकिन जो भी लिव इन में रह रहा है, जो भी देख रहा है और वो लिव इन में रह रहा है या उसके कोई दोस्त लिव इन में रह रहे हैं, तो नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं रहना चाहिए भाई, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है और हिंदुस्तान में आज़ादी है आपको रहने की लिव इन में। लेकिन मेरी ये सलाह है कि उसके लिए आपको कुछ एविडेंस अपने पास रखने होंगे, कुछ ऐसी मतलब रिलेशनशिप होंगी और सबूत पहले इकट्ठा करें भाई, भाई सबूत इकट्ठा करें, क्योंकि प्यार ना करें, सबूत इकट्ठा करो भाई, मन बदल, प्यार नहीं करना, सबूत इकट्ठे करो। नहीं नहीं मन बदलते टाइम नहीं लगता गुरु। तो भैया जब नहीं लगता तो अरेंज मैरिज कर लो, सिर्फ 5 अरेंज मैरिज कर लो, उसमें क्या तकलीफ है। अरे तो भाई 22 साल की उम्र में 24 साल की उम्र में अरेंज मैरिज करके करेगा क्या आदमी, ये भी है नहीं समझे। देखो फिजिकल नीड जो होती है इंसान की, ठीक है, अब या तो वो गंदगी पे उतर आए या तो फिर वो प्यार कर ले और साथ में रह ले या तो वो शादी कर ले। 22-24 साल की उम्र में शादी तो होने से। आपको पता है प्रोसिक्यूशन रेट जो है इसका, जब ये मामले अदालत में जाते हैं तो क्या हाल होता है उनका, हश्र क्या होता है, 90% केसेस दोस्तों फेक हैं जो रेप केसेस दर्ज होते हैं। तो इसमें आप सोचिए कितनी ज़्यादा एक आम आदमी को या एक उस शख्स को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, वो जेल जा सकता है। एक केस मैंने देखा था, अभी मैंने खबर भी बनाई थी वेबसाइट के लिए, crimetak.in, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट। उसमें एक लड़की माइनर, उसने शादी कर ली भागकर, उसके बाप ने मुकदमा दर्ज करा दिया, लड़की ने आकर, अब वो माइनर थी तो ऑब्वियसली वो अरेस्ट हुआ। 5 महीने बाद वो लड़की मेजर हो गई, तो उसने बयान दिया जी मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ था, मैं अपनी मर्जी से गई थी, वो बाहर आ गया, FIR क्वैश हो गई वो। तो आप सोचिए कि मतलब अगर आप नाबालिग कोई भी बयान दे वो मायने नहीं रखता, उसके फादर का बयान मायने रखता है, लेकिन अगर जैसे ही आप बालिग हो गए तो आपका हर एक बयान मैटर करता है, चाहे आप सही बोल रहे हो चाहे गलत बोल रहे हो। नहीं नाबालिग नहीं भी हो, एक तरह से कहा जाए मिसयूज नहीं है लॉ का भाई। नाबालिग नहीं भी हो, मान लो अगर आप यहाँ कॉलेज में पढ़ने आए, आप 20-22 साल की उम्र होगी, लड़की की उम्र भी इतनी होगी, नाबालिग नहीं भी हुए, ठीक है, आप बालिग हैं, लेकिन अगर आप इन केस में फंस गए तो आपका करियर का क्या हुआ, सोशल स्टिग्मा देखो ना, फैमिली का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, और आप किसी मुंह नहीं दिखा सकते, आपके ऊपर जो है वो पुलिस केस हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बताओ सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भाई लिव इन में रहना है, रहो, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी चीजें अपने पास रखो ताकि कल को अगर कोई चीज हो जाए तो तुम ये प्रोड्यूस कर सको। पुलिस बात कर रहे हैदर भाई, इतना कोई सोच के रिलेशनशिप करता है क्या? आप तो कह रहे हो पूरा रहो तो ये सारी चीजें रखो। नहीं नहीं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको स्टैम्प पेपर पे करा लो, ये तो देखो ये एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन इमोशन से जुड़ी है कि भाई एक आदमी ने किसी को पसंद किया तो ये तो आपको ट्रस्ट है कि आपको वो पसंद है और आपकी बातें जो है वो आपका गलत इस्तेमाल नहीं भाई, ट्रस्ट ही तो टूटता है गुरु, माना टूटता है, बट हर बार नहीं तो इतने केसेस ऐसे केसेस में जो चल रहे हैं वो तो शादी भी हो जाती है, ऐसा नहीं है फिर, लेकिन अगर पिट भी रही है औरतें, अगर आदमी भी रोज पिटता है, लेकिन अगर केस हो गया तो आपका करियर खत्म, तो बर्बाद हुआ। इसलिए मेरा ये कहना है कि जैसे आपको लिव इन में रहना है आप रहिए, आप अगर लड़की के साथ रह रहे हैं, अगर कोई लड़की लड़के के साथ रह रही है तो कुछ वीडियो एविडेंस मतलब ऐसे ही नॉर्मली हंसी मजाक में आप अपने पास रखिए ताकि कल को प्रोड्यूस करने को हो, अगर नहीं हुआ तो यानी आपका करियर की बस स्पॉइल लग गई। लेकिन ये बहुत सीरियस केस था जो हमने बड़े लाइटर मोड पे कोशिश की डिस्कस करने की, क्योंकि कई हमने देखे विक्टिम इस तरह के हैं जो बेचारे जेल में बाहर आते हैं, जिंदगी खराब, जैसे हैदर भाई भी बता रहे हैं ये होता है, और ये शायद ये रियलिटी है रेप केसेस की, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे भारत की बात करें यही होता है कि पहले साथ में रहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर ये सब कुछ चीज़ें। तो ऐसे में बच के रहने की जरूरत, हैदर भाई की सलाह लें कि भाई एविडेंसेस कलेक्ट करें। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब नहीं है ना भाई, आप जो है वो चलिए ठीक है, आप थोड़े दिन के एंजॉयमेंट के लिए या एक्साइटमेंट के लिए अब अपना पूरा करियर जो उसके बाद कम से कम, लेकिन अगर आप 7 साल भी माने, आपने जो बात कह रहे हो ना, आप एक ईमानदारी से कर बताना ये कोई लॉजिकल बात है? बॉस देखो ऐसा है, व्हाट्सएप पे लोग आई लव यू रिकॉर्ड करके भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं ना, लड़का लड़की को भेजते हैं, लड़की लड़के को भेजते हैं, तो इतनी सी बात रिकॉर्ड करने में क्या जाता है? अच्छा भाई आप भेज देना कि आई लव यू, या आपने भेजा अपनी गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड ने आपको वीडियो कॉल या वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दी, मतलब आप पुलिस के सामने ये बोलो जी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था ये तो हमारी, ऐसा नहीं कि वन साइडेड था, लेकिन उसमें भाई सबूत मान लो फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, तो ऐसे में तो अगर लड़की ने कह दिया जबरदस्ती किया तो फिर
देखो लॉ में भी लकुना है, क्योंकि सिर्फ बयान के आधार पर आप किसी को गिरफ्तार मत करो। बयान अब अगर जबरदस्ती किए तो शरीर पर निशान आएंगे ना जबरदस्ती करने के, या कोई ऐसा एविडेंस, फ्रेश एविडेंस आएगा। अगर किया था ये कोई बात है, आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको गिरफ्तार करने का मैसेज हो कुछ तो हो। हाँ। नहीं मैसेज से भाई, टॉर्चर मैसेज कौन सा होता है? नहीं होता है ना कि मैं तुम्हें देख लूंगा यार, वो थ्रेट हो गई, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन अगर आपको शारीरिक रूप से किसी ने बल प्रयोग किया तो भाई बल प्रयोग दिखना चाहिए ना शरीर पर, और उसी समय दिखना चाहिए। आप ले आओ चोटे मार के अपने, देखो बल प्रयोग, भाई चोटे तूने कहाँ मारी है, ये सब चीज़ें नहीं होती। क्योंकि ये एक ऐसे केसेस हैं जो एक तरह से कहा जाए किसी आदमी, उसका ही जीवन बर्बाद नहीं है, लड़की का भी बर्बाद है, माँ बाप का भी बर्बाद है, क्योंकि वो जेल चला जाएगा, जेल चला जाएगा, उसके परिवार का। कानून में बहुत लकुना है जो मैं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए जो जेन्युइन केस है वो बिल्कुल रजिस्टर होने चाहिए, लेकिन जैसे मैंने बताया रिसर्च भी ये कहती है 90% केसेस हैदर भाई। नहीं जेन्युइन केस भी देखो यार, अगर कोई लड़का और लड़की इस बात पे एग्री करते हैं कि हम लिव इन में रहने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक एक मतलब अनकहा सच है कि उनके बीच रिलेशन बनेगा। हाँ, क्योंकि भाई आप एक कमरे में साथ में रहेंगे, ठीक बात है, तो वो रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मैंने गलत फैसला ले लिया, तो आप सेपरेट हो जाओ, आप उसके साथ रहने की जरूरत क्या है। नहीं नहीं उसके बाद फिर धमकियां आती है ना भाई, इसमें सारी गलती लड़कियों की भी नहीं है, और आप सोचो इसका दूसरा पहलू भी है। लड़कियों गलती नहीं, लड़कियों के लिए मेरी एक सलाह है, अगर आप लोग सुन रही हैं तो लड़कियों के लिए मेरी सलाह है कि आप अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी तरह का वीडियो, जैसे वो डिमांड करते हैं कि मुझे ऐसा वीडियो दो, ऑब्वियसली ये सब तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग का सहारा बनेगा। नहीं दूसरा उस पे आप, उस पे आपको ब्लैकमेल किया, समझे नहीं, कई बार ऐसे भी होता है केसेस, लड़कियां जेन्युइन है, सब कुछ किया शादी का, उन्होंने बोला हम करेंगे, नहीं करा। लड़का ने कहा मेरी तो नौकरी जा सकती है, मैं फलाना ढिमकाना जो भी बहाना बनाया, तो उससे नहीं करी, तो उसके इमोशंस के साथ खेला, तो लड़के को गुस्सा आ गया, उनका मैं तेरे को बताती हूँ, चल बेटे थाने, किसी ने सलाह दी थी, थाने चले जाओ, मुकदमा हो जाए। नहीं नहीं मोस्टली तो शादी के लिए होता है। हाँ शादी के लिए, या फिर कोई दूसरा, लड़कियों का कई उद्देश्य भी दूसरे होते हैं। एक केस मैंने कवर किया था पार्लियामेंट स्ट्रीट वाला, जिसमें लड़की एडवोकेट थी, उसने एमपी के ऊपर केस करा दिया था, हनी ट्रैप हो गया था, और वो बाद में पता लगा वो लड़की ही ऐसी थी फ्रॉड। तो हर केसेस में दोस्तों लड़की ऐसी नहीं होती, हर केसेस में लड़का ऐसा नहीं होता, तो ये तो दोनों ही पक्ष। चलो यार ये हनी ट्रैप निकला है तो मैं चाहता हूँ थोड़ी चीज़ बता दूँ कि हनी ट्रैप सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। आप जो भी यहाँ पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के जासूस, वो एक्चुअली में पाकिस्तान के जासूस नहीं होते हैं, वो बेसिकली हनी ट्रैप के शिकार होते हैं। वो क्या होता है कि आप जो है फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हम एक टॉपिक बचा के रखते हैं। चलिए ठीक है, ये टॉपिक हम बचा के रखते हैं, हम कल करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमने थोड़ी सीरियस इसलिए इसको जानबूझकर करी दोस्तों, क्योंकि ये रेप से जुड़ा मामला है, एक लड़की की अस्मिता से जुड़ा मामला है, और हम चाहते थे सच आपके सामने आए। थोड़ा लाइटर मोड पे भी हमने किया, थोड़ा हमने सीरियस किया, और थोड़ा मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग खुल के सजेशन दें, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं नहीं और मजाक होना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं यार ये सीरियस टॉपिक है, आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आप ही हमें सजेशन दीजिए कि हम क्या चाहते हैं, आप चाहते क्या हो, अगर चाहते क्या भाई साहब, चाहते क्या हो। नमस्कार दोस्तों, तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हमें लिखें, आपके पास हमारी ईमेल आईडी है और कमेंट करने का रास्ता भी है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए, खूब सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ, आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।